अच्छा, अभी जो हमारा टॉपिक है वो टेस्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ पैरामीटर एस्टिमेट्स। पैरामीटर एस्टिमेट्स जो हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं, अल्फा हैट, बीटा हैट, या बीटा नॉट, बीटा वन, या जिसको आप कह सकते हैं कि एक अगर आपके आपके पास स्लोप कोफिशिएंट है और एक आपके पास इंटरसेप्ट है, तो हमने देखना है कि हमने उसको टेस्ट करना है कि क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। सिग्निफिकेंस का ये मतलब होगा कि क्या एक्चुअल में एक्स जो है वाई को इतना ही इफ़ेक्ट करता है जितना आपका बीटा नॉट बीटा वन बता रहा है, और क्या आपका इंटरसेप्ट भी जो है वो उतना ही है रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जितना आपका मॉडल आपको बता रहा है। तो इसकी सिग्निफिकेंट को टेस्ट करने के लिए आपके पास डिफरेंट तरीके हैं। एक आपके पास टी टेस्ट वाला तरीका है, उसके लिए आपको जो है ना स्टैंडर्ड एरर चाहिए होता है, बीटा का स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर मैं आप लोगों को पहले से बता चुकी हूँ, दैट इज़ आउट ऑफ दिस अदर देन दिस टॉपिक, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टेस्ट को देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि आपका ये जो टेस्ट है आपको क्या हेल्प करेगा। ये आपको बताएगा, दिस टेस्ट विल हेल्प यू टेस्ट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, एनी स्टेटमेंट दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आपको ये हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में मदद देगा कि क्या बीटा जो है आपका, जिसमें आपके पास बीटा वन और बीटा नॉट दोनों हैं, या अल्फा और अल्फा बीटा, या बीटा नॉट बीटा वन, या जिसको आप कहते हैं स्लोप कोफिशिएंट और इंटरसेप्ट, आर दीज सिग्निफिकेंटली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, क्या वो सच में ही उतने सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट है जितना आपका मॉडल बता रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास दो हाइपोथेसिस होंगे, ये आपके दो हाइपोथेसिस हैं। एक है आपके पास नल हाइपोथेसिस जिसको एच नॉट बोलते हैं, ठीक है, और एक है आपके पास एच वन जिसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं। अल्टरनेट ये इसका अल्टरनेटिव होता है, इस हाइपोथेसिस का उलट होता है, ठीक है। पहला हाइपोथेसिस आपको क्या कह रहा है कि दैट बीटा नॉट एंड बीटा वन, या सिंपली बीटा, सही है, दोनों को हम बीटा ही कह सकते हैं, दैट इज़ ज़ीरो, कि मतलब कि जो आपने बताया है कि बीटा हैट ये है, बीटा नॉट ये, बीटा वन ये है, बीटा जो है बीटा नॉट और बीटा वन ये है, या अल्फा और बीटा ये है हैट वाले, ठीक है, जो आपने एस्टिमेट किए थे, क्या वो क्या कह रहा है कि वो एक्चुअली वो नहीं है बल्कि रियल में वो ज़ीरो है, मतलब कि आपके वो इनसिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये भी है कि आपका जो एक्स है वो वाई को सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट नहीं करता। तो ये हो गया दूसरा आपका, इसका ऑपोजिट क्या होगा कि नहीं, वो ज़ीरो नहीं है बल्कि वो अदर देन ज़ीरो है, मतलब कि जो आपने बीटा नॉट और बीटा वन फाइंड किया है वो उसकी वैल्यूज़ ठीक है, वो सिग्निफिकेंट है, और ये ज़ीरो नहीं है, मतलब कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, और इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप है क्योंकि वो ज़ीरो नहीं है, तो इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट बीटा, और इसका मतलब है कि ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इसके लिए आपको टी की वैल्यू निकालनी होती है, टी कैलकुलेटेड और टी टैबुलेटेड, वो आपको अभी मैं बताऊंगी। लेकिन देखिए, इसमें आपके पास एक बीटा हैट है, आपको पता है कि बीटा हैट क्या होता है, आपका स्लोप कोफिशिएंट है, और नीचे लिखा स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट, और फिर इस बीटा हैट का आपने स्टैंडर्ड एरर लेना है, ठीक है। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड एरर का पीछे क्या, मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, या और मीन डेविएशन क्या होती है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट क्या होगा, वो ये है कि वाई टी माइनस वाई टी हैट। वाई टी हैट क्या है, आपका एस्टिमेटेड वाई है, और ये वाई टी आपका एक्चुअल वाई है, ठीक है, पॉपुलेशन का डेटा है, और ये जो है आपका एस्टिमेटेड डेटा है। इन दोनों को आपने माइनस करके उसका स्क्वायर लेके और फिर उसको सम किया है, पीछे हम ग्राफ्स में उसमें टेबल्स में पढ़ चुके हैं कि ये आपने सॉल्व किया था। अच्छा, यहाँ पर जो नई चीज़ है वो ये एन माइनस के है। के क्या होता है आपका, के इज़ योर नंबर ऑफ पैरामीटर्स, या पैरामीटर एस्टिमेट्स, कितने नंबर ऑफ पैरामीटर एस्टिमेट्स हैं। आपको पता है कि दो हैं, बीटा नॉट बीटा वन जिसको कहते हैं, या आप अल्फा बीटा कहते हैं उसको, या आप उसको जो है स्लोप कोफिशिएंट, और दूसरा आप उसको इंटरसेप्ट कहते हैं, तो वो दो हैं। तो ये के इज़ एक्चुअली टू, और एन क्या है, आपको पता है कि एन इज़ एक्चुअली योर नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस है, वन है, टू है, थ्री है, टेन है, कितनी है, वो जो है आपकी ये कहलाती है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे कि आप ये ले लिए, और फिर आप देखें दूसरा आपको समझ आ रहा है कि एक्स टी है और माइनस एक्स बार है, या आपका मीन ऑफ एक्स है, और आपका इसमें से माइनस करने के बाद आप उसको स्क्वायर करते हैं और आप उसका सम ले लेते हैं, तो वो जो भी नंबर आता है वो आप यहाँ कर लिख लेंगे, ठीक है। और अगर आपको पता हो कि ये जो है ना आपकी दरअसल ये आपका एरर है, ठीक है, एरर ये आपके पास देखिए सम ऑफ स्क्वेर्ड एरर है, ये देखिए सम है ऑफ व्हाट, स्क्वेर्ड एरर्स, ये आपने जो एरर्स लिए थे ना इसको आपने स्क्वेयर किया था, फिर आपने इसको सम किया था, तो आप इसको सम ऑफ स्क्वेर्ड एरर्स भी कहते हैं। तो आपने ऊपर सम ऑफ स्क्वेर्ड एरर्स लिखना है डिवाइडेड बाय एन माइनस के इनटू दिस वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक हो गया। अच्छा,
अब हमारे पास ये आ गया, हमारे पास बीटा हैट ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि उसका तरीका क्या है सॉल्व करने का, आपको आपको उसका फॉर्मूला ऑलरेडी बताया। तो आप क्या करेंगे, अब आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक आपने टी कैलकुलेटेड फाइंड करना है और एक आपने टी टैबुलेटेड फाइंड करना है, फिर आपने दोनों को कंपेयर करना है। अभी उसकी तरफ आते हैं, लेकिन पहले आपको बताती थी टी कैलकुलेटेड क्या होता है। टी कैलकुलेटेड इज एक्चुअली द रेशो ऑफ बीटा हैट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा हैट। बीटा हैट आपकी वैल्यू आपके पास मौजूद है, वो ले लिया आपने, डिवाइडेड बाय जो आपने स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आई है